पूरे अमेरिका में हर तबके के अमरीकी एक बड़ी तैयारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं उस वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ जब पावर ग्रिड पूरी तरह फेल हो जाएगा, जब होगा येलोस्टोन सुपर वोल्केनो, जब होगी आर्थिक मंदी की मार। खुद को बचाने के लिए जब आपको अपनी जान बचानी हो तो घुस जाओ किसी बिल में। जल्दी 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 चलो 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 चलो। उस तबाही के रूप से जिससे उन्हें लगता है दुनिया का खत्म होना निश्चित है, मैं इस्तेमाल करूंगा अपने दांतों का। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे तीन कमिटेड प्रेपर्स से, जिन्होंने ऐसे हालात के लिए जबरदस्त प्लान्स बनाए हैं। इस स्ट्रक्चर में लगभग 600 टन के बराबर रीइंफोर्सिंग स्टील का इस्तेमाल हुआ है। सारी हदें पार की। उनका सरकार पर कब्जा हो गया है, उन्हें ये तब पता चलेगा जब वो आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जमीन पर लेट जाओ। और दी अपनी कुछ चहेती चीजों की कुर्बानी ताकि वो जिंदा रह सके। समाज मुझे एक्सेप्ट करे, ऐसी उम्मीद मैंने छोड़ दी है। इनकी तैयारियों की जांच करेंगे एक्सपर्ट्स और फैसला करेंगे क्या इनमें उस विनाश को झेलने वाली बात है, और आप अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहेंगे, और क्या वो बच पाएंगे। तुमने आग जला दी। देखते रहिए, ये है डूम्सडे प्रेपर्स। साल पहले माइकल जेम्स पैट्रिक डगलस ने मरीन कोर की नौकरी छोड़ दी और अगस्टा में बस गए एक सिंपल जिंदगी जीने की तलाश में। अब वो एक विल्डरनेस स्कूल इंस्ट्रक्टर हैं और एक 30 एकड़ के फार्म पर अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं, जहां वो दिन भर घूम कर होममेड बक्सकिन, फास्ट फूड और लावारिस खाने की तलाश करते हैं। ये छोटा सा ग्राउंड हॉग है, किसी कार ने कुचला होगा। अगर इसके बाल शोल्डर ब्लेड्स के नीचे नहीं आते तो इसका पूरा मीट बर्बाद हो जाता और मैं इसे नहीं खाता। चलो खाते हैं। समाज मुझे अपनाएगा, मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी है। देखो मैं क्या लाया हूँ, ग्राउंड हॉग। टैन टैन। तो कौन खाएगा बताओ? मैं खाऊंगी। मेरे मेन आने की वजह है कि मैं इन सब से बचना चाहता हूँ। जब जनसंख्या तबाही की कगार पर होगी तब मैं तैयार रहूंगा। जमीन पर लेट जाओ। दुनिया की जनसंख्या सन 1804 तक 1 बिलियन थी। सिर्फ 200 सालों में ये जनसंख्या 1 बिलियन से बढ़कर 7 बिलियन हो गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये पृथ्वी एक सीमित संख्या तक ही लोगों का भार सह सकती है, और माइकल को डर है कि हम तेजी से उस सीमित संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी उस कगार पर पहुंच जाएंगे जब पृथ्वी हमारा बोझ नहीं सह पाएगी। जनसंख्या जब तबाही के स्तर पर पहुंच जाएगी तो सारी उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। एक बार रेगिस्तान तैयार हो गया तो उन्हें वापस उपजाऊ जमीन में बदलना नामुमकिन है। धूल का गुबार कई दिनों तक आसमान पर छा जाएगा और पूरी जमीन को ढक लेगा। बताए तब क्या होगा? खाने के लिए सड़कों पर दंगे होंगे, मारामारी होगी। 1 गैलन पानी की कीमत 1 गैलन फ्यूल से भी ज्यादा हो जाएगी। बतौर पेशेवर प्रोफेशनल विल्डरनेस इंस्ट्रक्टर माइकल जानते हैं कि अपना खाना कैसे उगाना है, अपने औजार कैसे बनाने हैं और अपने कपड़े भी। हम जानवर की इस खाल से अच्छे कपड़े बनाएंगे। सड़क के किनारे ये हिरन सड़ने के लिए पड़ा हुआ था। तापमान कम होने की वजह से इसका मीट बिल्कुल सही था, इसकी खाल बिल्कुल सही थी। अगर इसे ज्यादा टाइट करेंगे तो ये फट जाएगा। पिछले 20 सालों में माइकल ने खुद को बचाए रखने की कला में महारत हासिल की है, लेकिन सीमित रिसोर्सेस वाले इंसानों से भरी इस दुनिया में बचे रहने के लिए वो चाहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली भी एक्सपर्ट प्रेपर बन जाए और जमीन से जुड़कर जीना सीख जाए। मैं अपने बच्चों को जल्द से जल्द हर वो चीज सिखाना चाहता हूँ जिससे वो बच सके। मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। कॉलेज ट्यूशन के लिए या बच्चों के पढ़ाई के लिए जो भी पैसा लगता है मैं कमाता हूँ, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में इससे भी ज्यादा जरूरी है। आज मैं बच्चों को उठाकर पूरा दिन जंगल में घुमाने ले जाऊंगा। देखता हूँ वो कितने माहिर हैं, क्या उनको सारे हुनर याद हैं। इससे मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी। चलो बच्चों, उठ जाओ, सूरज सर पे आ गया है। चलो हम जंगल में जा रहे हैं, आज कोई स्कूल नहीं है। रायन, मेरे दूसरे बेटे रायन को इन सारी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अगर पूरी फैमिली को बचाना है तो उसके हर सदस्य को बचने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। दुनिया की जनसंख्या हर दिन 2 लाख की तादाद से बढ़ती जा रही है। माइकल का मानना है कि जनसंख्या में इस बेतहाशा बढ़त की वजह से खाने पीने में जबरदस्त किल्लत आने वाली है, इसलिए वो बचे रहने के लिए बेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बचे रहने का मूल आधार है शिकार बन चुकी चीजें। चलो रैन।
मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो यहाँ पानी ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे? सिंक से पानी निकालूंगा। अब ये स्पैग्मा मॉस के बारे में क्या ख्याल है? अगर ओवर पॉपुलेशन की वजह से पानी दूषित हो जाता है या उसकी कमी हो जाती है तो ये आसानी से मिलने वाला पौधा इन्हें डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। ये नेचर का स्पंज है, तुम्हें ये करना है कि इसे अपने हाथों में लेकर इस तरह से दबाना है जिससे इसमें से पानी निकलेगा। तुम ट्राई करोगे? खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है, पानी के बिना तुम 2-3 दिन में ही मर जाओगे, तुम समझ रहे हो? 2-3 दिन में? तो अब तुम पीना चाहोगे? ऊपर देखो। ये बुझ गई प्यास तुम्हारी। अजीब ही था लेकिन जिंदा रहोगे। ये क्या है? मुझे दिखाओ। ये चीज हमेशा यहाँ नहीं मिलेगी, जो हमें यहाँ मिलती है हम इसे खा नहीं सकते। नहीं, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम कैसे खुद को बचा सकते हो और खुद के लिए और अपनों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? चलो आओ, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं। रुक जाओ, ये देखो रायन, इस पौधे को पहचानते हो? ये प्लांटेन है। माइकल ने प्लांटेन को पहचाना है, जिसे आमतौर पर लॉन वीट के नाम से जाना जाता है। अगर खाना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो ये पौधा माइकल और उनके बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट्स की खुराक को पूरा करेगा। ये ग्रीन सैलेड या पकी हुई सब्जियों जैसा ही खाने लायक है, खाओ इसे, नुकसान नहीं होगा। ये लेटस जैसा है। ये लेटस जैसा लगता है लेकिन लेटस से ज्यादा पौष्टिक है। लेटस में ज्यादातर पानी और सेल्यूलस होते हैं जबकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्योंकि डगलस परिवार ऐसे फार्म में रहता है जहां खाना उगाया जाता है और 1500 लीटर पानी जमा किया जाता है, तो माइकल को डर है कि भारी जनसंख्या वाली इस दुनिया में वो लोग निशाना बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक विशेष अलार्म सिस्टम बनाया है जिससे खतरनाक घुसपैठियों के बारे में उन्हें खबर मिल सके। शहरों से लोग गाँव की तरफ भागेंगे किसानों की चीजें लूटने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार भी निशाना बने। मैंने यहाँ आसपास थर्मल इमेजरी कैमरास और मोशन डिटेक्टर्स लगा रखे हैं। यहाँ हर तरह के खोजी उपकरण हैं। आप जानते हैं मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? बर्ड फीडर्स। चिड़ियों की आवाज़ खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। चिड़ियों की आवाज़ सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। हर चिड़िया एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है और उनकी हर आवाज़ का एक अलग मतलब होता है, जिसके मतलब को समझने के लिए माइकल 20 सालों से भी ज्यादा समय से स्टडी कर रहे हैं और अब वही चीज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। ये क्या है? चिकड़ी। और वो? ओके। आज माइकल एमिली को रॉबिन की बेचैन आवाज का महत्व समझा रहे हैं। इनका मानना है कि यह खतरे के आने से 5 मिनट पहले चेतावनी देती है जिससे परिवार को तैयार होने का वक्त मिलेगा। लगता है वो बाहर नहीं है लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। बताओ ये क्या है? चेतावनी। हाँ, पहचान गई तुम। इसका मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से के साथ इस तरफ आ रहा है। जब आपके बच्चे अपने 275 मीटर के दायरे की आवाज सुन और समझ सकते हैं तो उनकी अवेयरनेस कमाल की है। ज्यादातर प्रेपर्स अपनी सुरक्षा के लिए फायर आर्म्स जमा करते हैं लेकिन माइकल अपने साथ गन्स नहीं रखते। उनका मानना है कि ओवर पॉपुलेशन के दौरान इन हथियारों का महत्व बहुत सीमित रह जाएगा और वो इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। आपको बहुत चमकदार चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, जैसे खंजर या गन्स। इसके बजाय आप तलाश कीजिए कि नेचर ने आपके लिए क्या इंतजाम किए हैं। खतरनाक हथियारों की जगह इन्होंने ओक ट्री और रेल रोड स्पाइक से बने हुए एक आसान हथियार को चुना है। दूसरी तरफ। एक्सेलेंट, इसे पकड़ो और सीधे सीधे इसके ऊपर फेंक दो। डकोटा ने 7 सालों से टोमाहॉक्स फेंकने की प्रैक्टिस की है और उसने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग भी ली है। आज माइकल दोनों चीजों को मिलाकर डकोटा को एक नई टोमाहॉक टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे वो अपने घर में घुसाए घुसपैठियों से मुकाबला कर सके। ऑलराइट, और इसे घुमाया और बूम। तुम ब्लेड्स पकड़े हुए हो और तुमने अपने ब्लॉक्स बनाए और हमला किया दूर रहते हुए। याद रखो, ये जानलेवा है। ब्लेड्स पकड़ो तो जानलेवा नहीं है, ठीक है? इससे तुम भीड़ को रोक सकते हो, भाग सकते हो। ये तब है जब जिंदगी और मौत पर बना है। तुम्हारे भाई बहन बहुत छोटे हैं, उन्हें मत सिखाना।
एक दिन मैं उनके जैसा ही माहिर बन जाऊंगा, उनसे बेहतर ना बन सका तो। वैसे तो डगलस परिवार के फार्म पर सबसे खतरनाक हथियार टोमाहॉक ही है, लेकिन वो सिर्फ इसके भरोसे नहीं है। एक माहिर प्रेपर की तरह माइकल के पास हमेशा दूसरा प्लान भी तैयार है। ये शॉटगन जितना पावरफुल होता है, इससे एक बार निशाना लगा कर देखो। थ्रोइंग स्टिक एक हाथ से बना हुआ वुडन टूल है जिसमें बहुत तेज धार होती है। इसे फेंककर छोटे जानवर जैसे खरगोश वगैरह का शिकार आसानी से किया जा सकता है। साइडआर्म एक मार्शल आर्ट पंच जैसा होता है। इस लकड़ी का घूमना इसे ताकत देता है जब यह किसी चीज से टकराती है, समझे? तुम ये करना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अपनी बाइक चलाओ। सबको इसकी जरूरत है। हमारे पास गन नहीं है क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास 22 मॉडल की गन थी जिससे बच्चों को फायर आर्म्स के बारे में पता चल सके कि उन्हें कैसे चलाया जाता है, राइफल के साथ प्रैक्टिस कैसे होती है, इनकी सेफ्टी वगैरह, और फिर हटा दिया। डैडी, मुझे लगा हमारे पास 22 गन है तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उसे शूट करूंगी। नहीं, वो अब अंकल आर्थर के पास है, जब वो आएंगे तब शूट करेंगे। सॉरी बेटा। ओके फाइन। कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे सुरक्षित घर पहुंचे? लेकिन माइकल के लिए सुरक्षात्मक ट्रेनिंग ही काफी नहीं है। वो अपने बच्चों को किसी भी वक्त आने वाले खतरे से तैयार रखना चाहते हैं, चाहे उनके पास हथियार हो या ना हो। इसलिए वो हर दिन सेल्फ डिफेंस ड्रिल्स करते रहते हैं, दिन में कई बार और अक्सर बिना चेतावनी दिए। मेरे बच्चे अभी खेलने में व्यस्त हैं, तो मैं अभी उन्हें एक अवेयरनेस ड्रिल देने जा रहा हूँ। इसी तरह से वो अपनी सुरक्षा करने में माहिर बन जाएंगे। तो दिमाग में ये रखते हुए कुछ मस्ती करते हैं। हाथ हवा में। अब तुम क्या करोगी? दोनों हाथों से जमीन पर लेट जाओ। ठीक है। अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा किया ना मैंने डैड। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूँ और बहुत आगे की सोचता हूँ, और क्या इसकी जरूरत है? ठीक है, दुनिया जो सोचती है सोचे। पूरी दुनिया में हर मिनट में 200 लोग पैदा हो रहे हैं, इसलिए माइकल अपने बच्चों के ऊपर कई घंटे बिताते हैं उन्हें ओवरक्राउडेड दुनिया में जीने का ढंग सिखाने के लिए। लेकिन सब के सब उनके प्रेपिंग लाइफस्टाइल को नहीं मानते। जब रायन का इन चीजों में दिल नहीं लगता और वो अपने भाई बहन से पीछे रह जाता है तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अगर मेरी फैमिली बचेगी तो उसका हर सदस्य बचना चाहिए। ए रायन, थोड़ी बात करें। बोलिए। आज माइकल अपने 12 साल के बेटे रायन के साथ बात करने जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पूरे परिवार की आखिरी परीक्षा ली जाए। मैं तुम्हारे राइट ऑफ पैसेज के बारे में सोच रहा था। राइट ऑफ पैसेज के जरिए मुझे ये पता चलेगा कि मेरे बच्चों में खुद को बचाए रखने की काबिलियत आ गई है कि नहीं। खुद को जिंदा रखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो है शेल्टर और दूसरी है आग। अगर ओवर पॉपुलेशन के वजह से खाने पीने की किल्लत हुई तो माइकल का मानना है कि शायद उनकी फैमिली को इसकी तलाश में घर के बाहर भी जाना पड़े। लेकिन सर्दियों में ऐसा करना जानलेवा हो सकता है क्योंकि उस वक्त का तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे तक चला जाता है। शेल्टर के बिना हाइपोथर्मिया हो सकता है। अगर मैं ये करूँगा तो क्या इनाम मिलेगा? इनाम में तुम बचने की काबिलियत सीखोगे। उनकी सिखाई हुई चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे खाने के लिए पिज्जा है, आग के लिए माचिस है, पानी टैंक में है। मैं मॉस का पानी नहीं पीने वाला। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लगता तो है। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए, हाँ या ना। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। रायन के लिए बहुत जरूरी है कि वो शेल्टर बनाना सीखे। ये बचे रहने के लिए सबसे पहली जरूरत है। माइकल रायन से शेल्टर बनवाना चाहते हैं, वो भी प्रेपिंग टूल्स के इस्तेमाल के बिना। वो सिर्फ उन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे जंगल में मिलेंगी। बहुत से प्रेपर्स आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें बहुत दिन साथ नहीं देती, फिर इसमें जंग लग जाता है, ये टूट जाती है या कहें ये खो जाती है। हमें कुछ रिबिंग की जरूरत होगी, इसलिए तुम मजबूत लकड़ी के टुकड़े जमा करो, ठीक है? जितने हो सके ज्यादा करना। सबसे पहले रिज पोल खड़ा करते हैं और उसके ऊपर रिब्स। हम इन चारों स्टिक्स को एक साथ रखने के लिए ट्राइपॉड इंटरलॉकिंग करेंगे। रायन और माइकल एक डेब्री हट बना रहे हैं जो किसी भी जगह पर बनाकर आसरा देने के काम आ सकती है और चारों तरफ पत्तों के ढेर के जरिए इंसान के अंदर की गर्मी को रोकने में मदद करती है। ये सारे पत्ते तुम्हारे शरीर की गर्मी को खोने नहीं देंगे, इसलिए अंदर से ये बिल्कुल टाइट और छोटा होना चाहिए।
ढेर सारे पत्ते जमा होने के बाद तुम शून्य से भी कम तापमान पर खुद को गर्म रख सकते हो, और वो भी सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट्स के साथ। एक इंच भी बाहर मत रहना। ये जानते हुए कि इस तरह के शेल्टर्स एक दिन उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, माइकल हर साल की 40 रातें ऐसे ही डेब्री हट को बनाकर और उसमें सोकर गुजारते हैं। ठीक है, तुम तैयार हो? ये किस हद तक सक्षम है इसका जायजा एक आसान से टेस्ट के जरिए किया जा सकता है। 3, 2, 1। कुछ लीक हुआ? नहीं। बाहर आओ, मैं भी देखूं जरा। अच्छे दिख रहे हो, अच्छा किया। रायन ने साबित कर दिया कि वो अपने लिए एक शेल्टर बना सकता है, लेकिन उसे अपने डैड को ये भी दिखाना होगा कि वो शिकार पकाने के लिए गर्मी और रोशनी को पैदा कर सकता है, मतलब उसे आग पैदा करनी होगी। इसे ऐसे करना है, अगर आप नेचर के जरिए आग पैदा कर लेते हैं तो आपको ऑयल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आग से खाना बनता है, गर्मी मिलती है और रोशनी भी। रायन को सिर्फ बो ड्रिल और एक नुकीली लकड़ी के टुकड़े से आग पैदा करनी होगी, क्योंकि ये चीजें कहीं भी जंगल में आराम से बनाई जा सकती हैं। हार मत मानो, सही कर रहे हो। देखो ये चिंगारी, देखो देखो जरा इसे। ओके बड़ी, आराम से करो, आराम से। मैं इसके ऊपर घास का गुच्छा डालूंगा, इसे बहुत ही आराम से करना है। घास के गुच्छे को साइड से दबाओ और बिल्कुल प्यार से। अब जोर से फूंको, जरा जोर से। हो गया, हो गया। आग जला दी, बहुत अच्छा बेटा। मजा आया, बहुत अच्छा किया। ये आग तुमने जलाई है, अच्छी लग रही है। अब तुम अपनी जिंदगी के दूसरे स्टेज में हो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, एक जवान आदमी बन रहे हो, और ये तुम्हारा अम्बेलिकल कॉर्ड है। जब डगलस के बच्चे ये साबित कर देते हैं कि वो ओवो पॉपुलेटेड दुनिया में खुद को बचा सकते हैं, तो उन्हें उनके अम्बिलिकल कॉर्ड से नवाजा जाता है, जिसे उनके जन्म से ही सेडर वुड और स्वीट ग्रास के साथ बचा के रखा जाता है। ये मेरे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते को दर्शाता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सर्वाइवर हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये दर्शाता है कि आज से तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो, ठीक है? आज जो तुमने मुझे हुनर दिखाए हैं वो साबित करता है कि तुम एक सर्वाइवर हो, और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है क्योंकि तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। जब फैमिली की बात आती है तो हम सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते, बल्कि परिवार के बारे में सोचते। माइकल, एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिकल प्रेपर्स का मानना है कि जमीन और प्रकृति के जरिए जिंदगी गुजार कर आप खुद को बहुत आगे के लिए तैयार कर चुके हैं। ये आपके और आपकी फैमिली के लिए अनमोल साबित होगा। वैसे मेन के क्लाइमेट को देखते हुए हमें इस बात की फिक्र है कि सर्दियों में आप यहाँ क्या पैदा कर पाएंगे। सर्दियों में जो दिखेगा उसे खाकर हम खाने की कमी को पूरा करेंगे। नेट जियो फिल्म क्रू के जाने के बाद से हमने सहन शक्ति को बढ़ाने, ताकत बढ़ाने और बदतर मौसम में खुद को बचाए रखने के लिए भी ट्रेनिंग करना शुरू किया है। वैसे तो दुनिया की जनसंख्या सन 1959 से अब तक दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि अब इसकी ग्रोथ धीमी होती जाएगी और सन 2100 तक 10 बिलियन तक पहुंचकर थम जाएगी। लैरी हॉल एक इंजीनियर हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर बन चुके हैं। उनकी हाल ही की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैंसस के शानदार मैदानी इलाकों में है, जिसमें एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स है, जिम, पूल और मूवी थिएटर के साथ। ए जो, वाटर टैंक्स अच्छे हैं ना? हाँ, मैंने सारी जिंदगी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही काम किया है। मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से लेकर हाईटेक मिलिट्री और बहुत सी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स सब कुछ बनाया है। होल में कंक्रीट डाल दिया? हाँ, देखा देखा तुमने, मजा आ गया दोस्त। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। लेकिन लैरी कोई नॉर्मल कॉन्डो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। मैं एक लग्जरी सर्वाइवल कॉन्डोमोनियम बना रहा हूँ जो हमें सोलर फ्लेयर, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोलैप्स या किसी भी प्राकृतिक आपदा से हमें बचाएगा। कुछ तो हो रहा है, चीजें वैसी नॉर्मल नहीं है जैसी हुआ करती थी, और इसी बात से मुझे फिक्र हो रही है। सर्वाइवल कॉन्डो प्रोजेक्ट एक ही जगह पर सारे खतरे जैसे सोलर फ्लेयर्स, लॉस ऑफ द ग्रिड, एवियन बर्ड फ्लू, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन से हमें बचाएगा।
जब ये 14 मंजिला हाई राइज इमारत पूरी हो जाएगी तो अपनी दीवारों के अंदर लैरी के साथ साथ 70 और प्रेपर्स की भी सुरक्षा करेगी। मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी और मेरा एक 6 साल का बच्चा है। जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो आप खुद को उतनी अहमियत नहीं देते। मुझे खुद को तैयार रखने के लिए जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। सोलर फ्लेयर से लेकर न्यूक्लियर वॉर जैसी तबाही और बर्बादी से अपने कॉन्डो में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए लैरी ने पूरे कॉन्डो कॉम्प्लेक्स को ही लोगों की नजरों से छिपा दिया है। हम नहीं चाहते कि पागल भीड़ या फिर लुटेरे या किसी किस्म के लालची लोग हमें आसानी से निशाना बना सके। तो ये हाई राइज ऊपर की तरफ नहीं बन रही है बल्कि नीचे की तरफ बन रही है। ये 14 स्टोरी बिल्डिंग है जो जमीन के 55 मीटर अंदर है और 3 मीटर कंक्रीट पर बन रही है। और ये जमीन में किया हुआ कोई सामान्य होल नहीं है, ये एक पुराना न्यूक्लियर मिसाइल साइलो है जिसे 1960s में बनाया गया था जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रखने लायक बनाया गया था जिसे यहाँ से सोवियत यूनियन पर भी गिराया जा सकता था। इसे ऐसा डिजाइन किया गया था कि मिसाइल के ऊपर आने पर इसे खोला जा सके जहाँ से इसे लॉन्च किया जा सकता था। इस फौलादी कंक्रीट शेल को ऐसा डिजाइन किया गया था कि इस पर डायरेक्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक का कोई असर ना पड़े और इसमें पर स्क्वायर इंच 45 किलो का प्रेशर लेने की ताकत है और जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज तूफानी हवा को सह सकता है। इस स्ट्रक्चर में लगभग 600 टन के बराबर रीइंफोर्सिंग स्टील का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर सुपर टॉर्नेडोज भी आ जाएं तो इसके अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। लैरी के कॉन्डोज में आपको ऐसा लगेगा कि आप छुट्टियां बिताने आए हैं, न कि कयामत से बचने के लिए। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, जिम है, यहाँ लाइब्रेरी और क्लासरूम है, हमने मूवी थिएटर भी बनाया है, साथ में बार और लाउंज भी बनाया है। लेकिन लग्जरी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। लैरी ने अब तक अपने घर को बनाने के लिए $3 मिलियन खर्च किए हैं ताकि उनके प्रेपर क्लाइंट्स को बेहतरीन चीज मिल सके। हमारे पास ड्यूल फूल रेंजेस हैं, शानदार काउंटरटॉप मटेरियल्स हैं, बैम्बू रिन्यूएबल वुड फ्लोर्स हैं। लेकिन ये जानते हुए कि इकोनॉमिक कोलैप्स या ऐसी ही किसी तबाही की वजह से बेसिक सर्विसेज जैसे फूड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को खतरा हो सकता है, लैरी ने कयामत के बाद अपने प्रेपर क्लाइंट्स को इनसे बचाए रखने के लिए कुछ खास चीजों का इंतजाम किया है। हमारे सर्वाइवल कॉन्डोमोनियम के डिजाइन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आम तौर पर नॉर्मल बिल्डिंग्स में देखने को नहीं मिलती, जिसमें अलग से कई लाइफ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अलग से कई वाटर सिस्टम्स हैं। इस वक्त मैं अपने वाटर टैंक मैन्युफैक्चरर से मिलने जा रहा हूँ। एक एवरेज अमेरिकन हर रोज 380 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है जिससे 1600 ड्रिंकिंग ग्लासेस को भरा जा सकता है। तो अगर अर्थक्वेक, सुनामी या न्यूक्लियर वॉर की वजह से इस देश का वाटर सप्लाई सिस्टम खराब हो जाता है तो इससे निपटने के लिए लैरी के पास एक बैकअप प्लान भी है। वाओ, जो इसे कहते हैं वाटर टैंक। तुमने ऐसा ही ऑर्डर किया था जिसमें कई स्तर पर पीने के पानी का इंतजाम हो, और देखो मैंने अपना काम कर दिया। इन टैंक्स में जमा किया गया 95,000 लीटर पानी एक छोटे से स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है, और अगर जमा करके रखा गया तो लैरी का मानना है कि ये यहाँ इस मिसाइल शाफ्ट में रहने वाले 70 प्रेपर फैमिलीज को कई महीनों तक बचा के रखेगा। बाहर जिस तरह के खतरे हैं उन्हें देखते हुए मेरे क्लाइंट्स कम से कम 95,000 लीटर पानी का एक अलग टैंक तो चाहेंगे ही। इससे सभी को काफी मात्रा में पानी मिल सकेगा, चाहे पानी की बाकी सप्लाईज बंद ही क्यों न हो जाएं। मेरे ख्याल से अगले कुछ हफ्तों में ये लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे काफी लोगों को सुकून मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के लोग उस सिस्टम के काफी आदी हो चुके हैं जो सोसाइटी की तरफ से उन्हें मुहैया कराई गई हैं। और जब ये सिस्टम टूटता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता और पूरा सिस्टम तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। कयामत के बाद उनके लग्जरी कॉन्डोज निशाना बन सकते हैं, इस बात के फिक्र से लैरी ने $500,000 खर्च करके एक 4-स्टेज सिक्योरिटी प्लान बनाया है, जिसका स्टेज 1 है 2 मीटर ऊंचा पेरीमीटर फेंस जो शुरुआत में ही अटैकर्स को रोकने के काम आएगा। बैरी, मैं गेट को खुद ब खुद मूव होते हुए देख सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। तुमने तो दिल खुश कर दिया। इसे बनाने में केवल 3 हफ्ते लगे। तुम्हें ये तो चाहिए होगा ना? हाँ, मुझे ये चाहिए। ध्यान रहे सही बटन दबाना, ये बड़ा वाला, ताकि मुझसे कोई बेवकूफी ना हो। परफेक्ट। बेवकूफी करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। सिक्योरिटी स्टेज 2 में है एक कॉम्प्लेक्स सर्वेलेंस सिस्टम जो फेंस के चारों तरफ
और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के इंटीरियर पर भी नजर रखेगा और किसी के भी अंदर घुसने पर यहाँ रहने वाले लोगों को अलर्ट कर देगा। हम इसमें बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर बायोमेट्रिक सिस्टम है। पूरे कॉम्प्लेक्स में मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं, हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, शायद व्हाइट हाउस से भी कहीं ज्यादा कैमराज लगे होंगे। अगर इन डिफेंसेस को अटैकर्स ने पार कर लिया तो स्टेज 3 पर है ऐसा फौलादी एंट्रेंस जिसे मिसाइल से भी नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप 9 फुट मोटे कंक्रीट स्ट्रक्चर को शूट करते हैं तो आपकी गोलियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। और अगर किसी ने जिद्दोजहद करके स्टेजेस 1, 2 और 3 को पार कर लिया तो लैरी की आखिरी सुरक्षात्मक लाइन है उनके अपने प्रेपर्स की बनाई गई आर्मी, लड़ाई के लिए तैयार इनकाउंटर में रहने वाले 70 लोग। हमारे पास हथियारों की कितनी तादाद है इसे नहीं बताने के लिए हमने कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन हमारे पास हैंडगन से लेकर शॉटगन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स सब हैं। हमारे पास 10,000 राउंड से भी ज्यादा गोलियां हैं जिससे हम एक छोटी सी वॉर तो लड़ ही सकते हैं। कयामत को देखते हुए लैरी ने हर पहलू पर गौर किया है, लेकिन अगर वो इसे बेच नहीं पाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। कैंसस के तूफानी हवाओं वाले मैदानी इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर और इंजीनियर लैरी हॉल एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं अपने अनोखे कस्टमर्स प्रेपर्स के लिए, जो कयामत के बाद भी खुद को बचाए रखना चाहते हैं। जो लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स, आतंकवादी हमले, क्लाइमेट चेंज, फूड प्रोडक्शन में भारी गिरावट, पोल शिफ्ट, मीटियोराइट या कॉमेट स्ट्राइक जैसी चीजों से डरे हुए हैं। हमारे पास यहाँ सब कुछ है जिसे किसी एक शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कयामत से बचने वाले इस घर को खरीदने के लिए आपको 1 से 2 मिलियन डॉलर्स की कीमत चुकानी पड़ेगी, जितने में कैंसर सिटी में आप एक शानदार 6-बेडरूम मैंशन खरीद सकते हैं। आज यहाँ साइट पर एक महिला आ रही हैं जिन्होंने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम अभी इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हैं। सारा एक सबर्बन मॉम है जो सेंट्रल कैंसस में रहती हैं। आज वो लैरी के मिसाइल साइट पर जा रही हैं ये देखने के लिए कि डूम्सडे लग्जरी उनकी उम्मीद के मुताबिक है भी या नहीं। आप मौसम के बदलाव या इसी के जैसे प्राकृतिक आपदाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमें जिसकी तलाश थी ये बस उसी की एक शुरुआत भर है। सुरक्षा कारणों की वजह से सारा ने अपनी पहचान छिपाने की रिक्वेस्ट की थी और कैमरा पर आने से मना कर दिया था। बहुत से लोग जो इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं किसी न किसी वजह से अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं और इसी वजह से कैमरे पे भी नहीं आना चाहते। मुझे सबसे ज्यादा डर है न्यूक्लियर वॉर या बायोलॉजिकल वॉर से। मैं खुद को और अपनी फैमिली को ऐसे माहौल से बचा कर रखना चाहती हूँ जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो। बहुत से अमेरिकन्स का डर सारा के डर से काफी मिलता जुलता है। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि 41% अमेरिकन्स रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने के बजाय खुद को भयानक तबाही से बचाने के लिए तैयार करना चाहते हैं, और आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि अगले 10 साल में कोई भयानक तबाही जरूर होने वाली है। हाय सारा। हाय। तुम प्रोजेक्ट देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं देखने के लिए तैयार हूँ और मैंने इसके बारे में पढ़ा था और आज देखने जा रही हूँ। अच्छा लगा कि तुम यहाँ हो, चलो अंदर चलते हैं। 3 मिलियन से ज्यादा इस प्रोजेक्ट में लगा देने के बाद अब एक 2 मिलियन डॉलर की सेल की उम्मीद होने पर लैरी के लिए ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। हमारे पास 7 रेजिडेंशियल लेवल्स हैं। यहाँ मूवी थिएटर है, नीचे की तरफ एक बार और लाउंज भी है। सारा ये जानने के लिए बेचैन है कि इस कयामत से बचाने वाले घर के लिए उन्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी तरह से बंद हो जाने की स्थिति में आप कुछ लग्जरीज की उम्मीद नहीं कर सकते, जैसे केबल, इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी वगैरह। तुम पहली हो जिसने ये पूछा है। अच्छा लगा ये सवाल सुनकर। वेल, दरअसल हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड सर्वर्स हैं जो वेब पेजेस के स्नैपशॉट्स लेकर हमें इंटरनेट पर दिखाते रहेंगे। ठीक है, तुम यूनिट्स देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो देखते हैं। ये फॉर्मेबल डोर है। लैरी के कॉन्डोज के अंदर जिंदगी को नॉर्मल रखने की कोशिश की गई है, बाहर चाहे कयामत जैसा मंजर क्यों ना हो। ध्यान से चलना। लैरी की बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को हर रोज काम करना जरूरी है। यहाँ का हर काम सामान्य रूप से चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के सभी लोग दिन में 4 घंटे काम करें, जिससे रोज रोज होने वाले जरूरी मेंटेनेंस के साथ साथ सिक्योरिटी डेस्क जैसी जगहों को संभालना होगा। और वापस अपने कॉन्डो में आते हुए वो लोकल सुपरमार्केट में रुक सकते हैं और अपनी ग्रोसरीज खरीद सकते हैं। हम लोग जिस लेवल पर हैं वो यहाँ का जनरल स्टोर है। इसका सेटअप भी जनरल स्टोर जैसा ही होगा। यहाँ चारों तरफ हर तरह की चीजें होंगी। मतलब यहाँ भी वैसा ही महसूस होगा जैसे आप काम के बाद डिनर के लिए अपने स्टोर से सामान खरीदते हैं। आप आसपास के लोगों से बातें भी करते हैं जैसे आप अपनी आम जिंदगी में अक्सर ऐसा करते हैं। चलें। हमारे पास फ्रीज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड फूड दोनों ही तरह के खाने के सोर्सेज हैं। हर इंसान के लिए 60 महीनों की खुराक, मतलब 5 साल तक के लिए, वो भी 2,500 कैलोरी पर डे के हिसाब से।
तो एक तरह से भारी मात्रा में खाना रिजर्व किया गया है। ये है 7 रेजिडेंशियल फ्लोर्स का सबसे ऊपरी हिस्सा। तुम देख सकती हो यहाँ काफी ज्यादा जगह है। ऊंची सीलिंग्स की वजह से आप बंद बंद महसूस नहीं करते, मतलब 10 फीट की ऊंचाई अच्छी मानी जाती है। सही कहा। हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली और उन्होंने हमें बहुत अहम जानकारी दी कि कैसे केबिन फीवर या बंद होने से हुई बेचैनी से बचा जाए। लैरी की सीलिंग ज्यादातर अमेरिकन घरों की सीलिंग्स जो 8 फुट की होती हैं उससे 2 फीट ज्यादा है, और रिसर्च से पता चला है कि इस छोटे से अंतर की वजह से लोगों को काफी खुशी मिलती है और वो बहुत बंधे बंधे महसूस नहीं करते। ये बहुत ही कम्फर्टेबल जगह है। वैसे तो लैरी के प्रेपर कॉन्डोज 175 फीट जमीन के नीचे हैं, लेकिन इसे खरीदने वालों के लिए प्रकृति के नजारे देखने की भी सुविधा है। आर्टिफिशियल विंडोज से आपको मजा आ जाएगा। लैरी के इलेक्ट्रॉनिक विंडोज आपकी मर्जी के मुताबिक आपको नजारे दिखा सकते मतलब हैं। मैं बीच पे जा सकती हूँ। तुम बीच पर जा सकती हो, तुम सैन फ्रांसिस्को हार्बर पर जा सकती हो, तुम एक्वेरियम के अंदर जा सकती हो, तुम स्पेस स्टेशन में जा सकती अच्छा। हो लेकिन क्या लैरी के जबरदस्त खाने और पानी का भंडार साथ में सिक्योरिटी प्रेप्स सारा को कयामत से बचाने का सपना बेच पाएंगे? वेल, तुमने देखा और तुम्हें इन चीजों को बनते हुए देख कर अच्छा भी लगा। तुम बताओगी तुम्हारा इसे खरीदने में कितना इंटरेस्ट है? सच कहूँ तो मेरा इंटरेस्ट है, पर मुझे फैमिली से भी बात करनी होगी इसके बारे में। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ कम से कम 12 लोग ऐसे हैं जो बड़ी दिलचस्पी के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं, और उनकी इस दिलचस्पी की वजह है आज दुनिया में चारों तरफ फैले हुए खतरे जो बढ़ते ही जा रहे हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रहे। और यही बात समझ कर मैं यहाँ इसे देखने आई हूँ। तुम अकेली नहीं हो। 14 घंटे तक साइट पर लगातार काम करने के बाद अब वक्त है लैरी और उनकी कंस्ट्रक्शन टीम के लिए आराम करने का और कयामत से पैदा होने वाले खुद के डर को आपस में डिस्कस करने का। मेरे ख्याल से सोलर फ्लेयर से सबसे ज्यादा खतरा है। इसकी वजह से पावर ग्रिड का बड़ा हिस्सा खराब हो जाएगा और कई तरह से मुश्किलें पैदा करेगा। लोग नहीं जानते कि खुद को कैसे बचा के रखना है। वो पूरी तरह से सरकार और शहर के सिस्टम के भरोसे हैं। हालात बहुत तेजी से खराब हो सकते हैं, मुझे इसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। और आप अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहेंगे? आप वो चीज करते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते हैं, और इसी सच्चाई को सोचकर बहुत ज्यादा डर लगता है। बिल्कुल सही। इसका जवाब यही है कि आप तैयार रहें ताकि आपको ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही। और आप बचे रहें। बिल्कुल। लैरी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन फैसिलिटीज के साथ आपकी तैयारी शानदार है, और जो इसकी एक यूनिट खरीद पाएगा उसे तबाही के वक्त काफी मानसिक सुकून का एहसास होगा। ओके। लेकिन आपको इस तरह के लोग भी रिक्रूट करने चाहिए जिन्होंने मेडिकल और मिलिट्री के मामले में अच्छी ट्रेनिंग पाई हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमने इसकी कोशिश की थी, लेकिन आज के हालात और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए हमें इस मुद्दे को थोड़ा नज़रअंदाज करना पड़ा। नेट जियो के यहाँ से जाने के बाद हमारे अलग अलग यूनिट्स को खरीदने के लिए 5 ऑफर्स आ चुके हैं। हमारा काम जोरों शोरों से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कुछ डील्स को लॉक कर पाएंगे। बेकी ब्राउन की उम्र 30 साल से कुछ ज्यादा है और वो सॉल्ट लेक सिटी में रहती हैं, जहां वो अपने बिजनेस स्कूल के लास्ट सेमेस्टर में हैं। हे, थैंक्स फॉर कमिंग। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हमारी बात का मुद्दा वो है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं किया करते हैं। वो है कि इस सरकार की हालत बहुत ही खस्ता हो रही है, और आज US में ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बेकी को लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हटना पड़ेगा और यहाँ मार्शल लॉ घोषित हो जाएगा, जिससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लिए जाएंगे। आम आदमी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी स्टडी से चीजों को पता किया और उन्हें साथ में रखा तो मुझे लगा सच कहूं तो मेरे हिसाब से अगले 1-2 सालों में सरकार को गिरा दिया जाएगा। मुझे वाकई ऐसा लगता है। मुझे लगता है आज जितनी प्रॉब्लम्स हमारी सरकार के साथ हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। यहाँ पर आर्मी कभी भी मार्शल लॉ अनाउंस कर सकती है। शहर में कोहराम मच जाएगा, हाईवेज और रोड्स को बंद कर दिया जाएगा, और किसको कहाँ जाना है किसी को पता नहीं होगा। हमारे पास वाटर सप्लाई नहीं होगी क्योंकि उस पर भी अमीर लोगों का कब्जा हो जाएगा। हमें उसी के भरोसे जिंदा रहना होगा जो हमारे पास पहले से होगा। सरकार पर उनका कब्जा हो गया है ये हमें बाद में पता चलेगा, और ये बिल्कुल अचानक से होगा जब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम अगली सुबह उठेंगे और कहेंगे कि
हमें खाने की चीजें जमा कर लेनी चाहिए थी। मैंने लगभग $50,000 के करीब प्रेपिंग पर खर्च किया है और पिछले साल कुछ $30,000। मैं हर रोज लगभग 4 घंटे प्रेपिंग के बारे में सोचकर गुजारती हूँ। इसकी वजह से मैं किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं पड़ी। जब मैं स्कूल में नहीं होती हूँ तो पूरा दिन प्रेपिंग के लिए ही गुजारती हूँ। मैं हर दिन हर समय प्रेपिंग के बारे में ही सोचती हूँ। मैं बस यही करती हूँ। बेकी की तैयारी उनकी जिंदगी के हर पहलू को लेकर है, वो जहाँ रहती हैं उस जगह को लेकर भी। उन्होंने कई अपार्टमेंट्स देखे और आखिरकार इस जगह सेटल हुई जहाँ वो आजकल रहती हैं। मैंने इस घर में रहने का फैसला किया क्योंकि इस देश का कैपिटल मेरे घर के ठीक पीछे है। कैपिटल का ठीक मेरे घर के पीछे रहने की वजह से मुझे हमेशा ये याद रहता है कि सरकार कभी भी मार्शल लॉ लागू कर सकती है और शहरों पर कब्जा कर सकती है। इसीलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं इतने करीब हूँ। बहुत से प्रेपर्स लोगों का निशाना बनने के डर से अपनी इमरजेंसी सप्लाईज के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन बेकी का मानना है कि सरकार के गिरने के बाद आपस में मिलजुल कर बचा जा सकता है। इसलिए उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स आइजैक, स्पेंसर और नई दोस्त विक्टोरिया को बुलाया है इसके बारे में बताने के लिए। जानते हो ना कि मैं प्रेपिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ बुलाकर ये दिखाना चाहती थी कि मेरे पास क्या है। मुझे उन दोस्तों से डर लगता है जो प्रेप नहीं करते। मैं कई दिनों से तैयारी करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। मैं देख रही हूँ कि सरकार ज्यादा से ज्यादा चीजों पर अपना कंट्रोल करती जा रही है और मुझे लगता है इसका अंजाम जल्दी सरकार गिरने से या मार्शल लॉ के रूप में होगा। हमें इन स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अपने दोस्तों और फैमिली के लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी तैयार रहो। तुम्हें दिखाऊं मेरे पास क्या है? हाँ बिल्कुल। बेकी एक 1800 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में रहती हैं और जिसका एक 200 स्क्वायर फुट का रूम उन्होंने अपने प्रेप्स के लिए छोड़ रखा है। इस रूम में लगभग 400 लीटर पानी है और 4000 से भी ज्यादा खाने के लिए तैयार और लंबे समय तक ठीक रहने वाला खाना है। अगर सरकार गिराई जाती है तो सबसे पहले खाने की किल्लत होगी, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा। जब ट्रक्स चलना बंद हो जाएंगे तो फार्म से स्टोर तक खाने की चीजें नहीं पहुँच पाएंगी, तो हम तक भी नहीं पहुँच पाएंगी। आपको खाने की चीजें जमा करनी होंगी और ये चीजें कमाल है, ये माइलर बैग्स में आती हैं। माइलर बैग्स का इस्तेमाल अक्सर प्रेपिंग में होता है क्योंकि ये चीजों तक ऑक्सीजन को पहुंचने से रोकती है, जिससे डिहाइड्रेटेड फूड लगभग 20 साल तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। बेकी के पास ऐसे 800 बैग्स हैं जो ऐसे बकेट्स में जमा किए गए हैं, जिसे वो ग्रैब एंड गो बकेट्स कहती हैं। इस एक बकेट का वजन लगभग 8 किलोग्राम है। लो देखो इसे, अगर इसमें से किसी एक को लेकर भागोगे तो इससे तुम्हारा 2 महीने तक का खाना चल सकता है। क्या पता वो कब आपके दरवाजे पर आकर कहे कि ओके अब आप यहाँ नहीं रह सकते। बेकी का मानना है कि मार्शल लॉ के डिक्लेयर होते ही सॉल्ट लेक सिटी में रहने वाले हजारों लोग उसी वक्त यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे और इस वजह से हाईवे से निकलना नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए पैदल ही जाना पड़ेगा। तुम्हें कभी ना कभी तो पैदल चलना ही पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि आपके पास कुछ चीजें हों। जरा घूमो स्पेंसर, बग आउट बैग का दूसरा नाम है 72R किट। तो अगर आपको शहर से बाहर भागना है तो आपके पास बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए ना। ज्यादातर प्रेपर्स समझते हैं कि बग आउट बैग्स बहुत जरूरी चीज है और ये खाने की चीजें, पानी और फर्स्ट एड सप्लाई से भरा होना चाहिए, क्योंकि बेकी को डर है कि मार्शल लॉ कभी भी लग सकता है और उस समय एक बैग काफी नहीं होगा। मेरे पास बहुत से बग आउट बैग्स हैं। मेरा बग आउट बैग अक्सर घर पर ही रहता है, लेकिन मैं छोटा वाला बैग अपनी कार में ही रखती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ मैं हमेशा इसे अपने साथ ही रखती हूँ। जब तक कोई पीछा नहीं करता तब तक तुम आराम से जाओ, इसे तुम्हें 72 घंटों तक का खाना मिलता रहेगा। मैं इसके साथ 15 मीटर तक तो दौड़ सकता हूँ। हाँ। बेकी को लगता है कि रिसोर्सेज की कमी के वजह से जब सरकार गिरेगी तो बदअमनी फैल जाएगी। खुद की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना और पानी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सरकार जब गिरेगी तो आप अपनी फैमिली की सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी चीजों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने खाने और अपने पीने की सुरक्षा कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास ये चीजें नहीं है। मुझे आपको डराना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गन नहीं है तो आप ऐसी कोई चीज रख सकते हैं। इससे तो आप किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। बेकी की स्टन गन सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी से चलती है और किसी भी हमलावर को 1.5 लाख वोल्ट का झटका देकर उसे बेहोश कर सकती है। इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। मुझे लगा ये इलीगल होगा, पर ये नहीं है। वो अक्सर जो करती है उसके लिए दूसरों को भी कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है। उम्मीद है उनको मेरी बात समझ में आई होगी और वो अपनी तैयारी में लग गए होंगे। उसकी तैयारी देखकर मैं तो दंग रह गई और बाद में उसकी प्रिपेयर्डनेस देखकर मैं तो बस हैरान ही हो गई।
सॉल्ट लेक सिटी में सन 2010 में 13,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी क्राइम्स हुए थे। बेकी को डर है कि सरकार के गिरने पर ये फिगर्स और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो लोग पहले से तैयार नहीं हैं, वो उन लोगों से छीनेंगे जो पहले से तैयार हैं। अपने प्रेप्स को बचाए रखने के लिए बेकी ने अपने एक दोस्त से सिक्योरिटी ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है, जो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट स्नाइपर है और उसके काम से जुड़े खतरे को देखते हुए उसकी पहचान को छिपाया गया है। तो आप उसे बॉब बुला सकते हैं। वो इराक में अधिकारियों की सुरक्षा करता था। वो बहुत ही मुश्किल हालात में रह चुका है। हम किस तरह के सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हम लोगों में फैली बेचैनी जैसी हालात की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे सरकार गिर जाए तो। आपके पास किसी तरह का हथियार है? हाँ है, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। स्टन गन एक नॉन लीथल वेपन है जिसका इस्तेमाल बहुत करीब से ही किया जा सकता है, जिससे इसके इलेक्ट्रोड को हमलावर के शरीर पर दबाया जा सके। ये चीज उसी वक्त काम आएगी जब कोई ठीक आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमें किसी को अपने करीब नहीं आने देना है। अगर घुसपैठिए बेकी के घर में खाने और पानी के तलाश में घुसते हैं, तो ये स्टैनगन थोड़ी देर के लिए ही उनकी सुरक्षा कर पाएगा, और तभी जब वो उसके करीब पहुंच पाएंगी। इस पोकर के बारे में क्या ख्याल है? ओ, ये तो कुछ काम की चीज लग रही है। इसे मैं अपने साथ रखूंगा हमेशा। ओके, इसे वार कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इससे वार करना है, वो भी सर के बीचों बीच पूरी ताकत से। बॉब कई बार डरा देता है। मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ। अपना वेट इसके साथ डालो। इस तरह? बिल्कुल सही। तुम्हारे लिए फायर आर्म खरीदेंगे, डोंट वरी। ओके, पर मेरे पास गन नहीं है। मैं एक लड़की हूँ और मैं फेमिनिन हूँ। मुझे गन्स देखना पसंद नहीं है, राइट? लेकिन जब अपने घर परिवार या सबसे जरूरी चीजों की सुरक्षा की बात आती है, तो आपका नजरिया बदल जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 1,70,00,000 औरतें अपने साथ गन लेकर चलती हैं। वैसे तो बेकी उनमें से नहीं है, लेकिन आज वो बॉब की सलाह मानने जा रही हैं और ये सीखने जा रही हैं कि एक जानलेवा हथियार के साथ अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। जब सरकार गिर जाएगी तब मुझे गन चलानी आनी चाहिए। मुझे अपने खाने पीने की सुरक्षा करनी होगी, किसी जानवर या किसी भी किस्म के खतरे से अपने दोस्तों और अपनी फैमिली की सुरक्षा करनी होगी। अपनी नजर को यहाँ ऊपर रखो, तुम सिर्फ अपने सामने देखने पर फोकस करो, फिर ट्रिगर को दबा दो। ट्रिगर को झटका मत देना, अपने हाथ से इसे इस तरह से नहीं, अपनी आंखों से देखते हुए शूट करो। दोनों आंखें खुली रखना। शूट कर सकती हो? नहीं, अभी भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें और अच्छे से सीखना होगा। हाँ, फिर मैं कर लूंगी। हैंड पिस्टल किसी दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करने के लिए आइडियल हथियार है, अगर इसे तेजी से इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन बेकी चाहती हैं कि सरकार के गिरने पर उनके पास सुरक्षात्मक के साथ साथ हमलावर हथियार भी हों, जिससे जरूरत पड़ने पर दुश्मन के आंखों में आए बिना ही वो उसे खत्म कर सकें। आज वो अनुभवी बॉब के साथ टेलीस्कोपिक लेंस लगे हुए बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल से ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसके लेंस की मदद से वो 915 मीटर की दूरी पर भी सटीक निशाना लगा सकती हैं। मैं स्नाइपर ट्रेनिंग ले रही हूँ क्योंकि इससे मैं लोगों को अपने से ज्यादा दूर रख सकूंगी। ये हाथ नीचे रखो, इसे सपोर्ट दो। ओके, मुट्ठी बनाओ, इसे अपने शोल्डर पर दबा के रखो। इसके बीचों बीच निशाना लगाना है ना? आज बेकी का टारगेट उससे 180 मीटर की दूरी पर है, लगभग 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। तुमने हिट कर दिया। सच में? हाँ। ये! बहुत अच्छे। तीन में तीन, 180 मीटर की दूरी पर। पांच में से पांच नहीं था, पांच में से तीन ही था। अगर सरकार गिरती है तो मेरा निशाना पांच में से पांच जैसा ही होना चाहिए। हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी अगर कभी भी ऐसा हुआ तो। बेकी, एक्सपर्ट और प्रैक्टिकल प्रेपर्स आपकी तारीफ करते हैं कि आपने एक्सपर्ट के साथ हथियारों की ट्रेनिंग ली और दूसरों को भी प्रेपिंग में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन अगर आपको मिनटों में सॉल्ट लेक सिटी छोड़कर जाना हो, तो आपके लिए अपना सारा सामान लेकर जाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मेरे पास एक बिग फ्रेम हाइकिंग बैकपैक है, जिसमें मैं अपनी चीजों को भरकर पैदल ले जा सकती हूं। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाइए, क्योंकि हो सकता है उस समय पानी काफी गंदा आने लगे। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इस पर काम भी कर रही हूं। आपका फूड स्टोरेज आपके लिए काफी है, लेकिन आपके दोस्तों के लिए नहीं। उन्हें तैयार रहने के लिए उन्हें हमेशा सलाह देते रहिए। मेरा फूड स्टोरेज मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं अपने लिए ही तैयारी कर रही हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी तैयार रहने की सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि उस समय दोस्तों को भी दुश्मन बनते देर नहीं लगेगी। हाय, मेरा नाम बेकी है। मैंने इनकी सलाह मानकर अपनी वाटर सप्लाई को 400 लीटर तक बढ़ा लिया है, जिससे जरूरत के वक्त मेरे पास साफ पानी भारी मात्रा में होगा।
वैसे तो अमेरिकन हिस्ट्री में वक्त बेवक्त मार्शल लॉ डिक्लेयर होता रहा है, लेकिन मॉडर्न एज में नेशनल लेवल पर यह कभी नहीं हुआ। इस लॉ का इस्तेमाल सिर्फ छोटे स्तर पर ही किया गया है, वो भी बहुत ही बुरे हालात में कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, जैसे कि हरिकेन कैटरीना के आने पर वहां की कानूनी व्यवस्था चरमरा गई थी।